हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण श्रीवा। तो ये व्लॉग है रिगार्डिंग अभी हम वृंदावन गए थे, तो वहाँ पर हम कहाँ कहाँ गए, किस किस मंदिर में हमने दर्शन किए उसके रिगार्डिंग। तो आप लोग इंजॉय कीजिए, देखिए, एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये देखिए, मैंने बीच से व्लॉग शूट किया था। ये है हमारा, जब हम गए थे रास्ते में, वृंदावन के रास्ते में एक रेस्टोरेंट पड़ता है, वहाँ हम रुके थे, जहाँ पे स्टारबक्स है, बर्गर किंग है, मतलब सारा कुछ आपको मिल जाएगा। कुछ लोग जैसे बर्गर खाना पसंद करते हैं, पिज्ज़ा खाना पसंद करते हैं, तो ये डोमिनोज, बर्गर किंग सब कुछ है, स्टारबक्स भी है कॉफ़ी लवर्स के लिए। तो काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पर हम रुके थे। ये देखिए, मैंने जो लिया था उसकी शूट करा था तो वो डाल दिया। और ये देखिए, यहाँ पे कितना अच्छा व्यू है। ये हम स्टारबक्स में बैठ के जहाँ कॉफ़ी पी रहे थे, बहुत ही अच्छा व्यू था। और बेस्ट पार्ट इज वेदर इतना ऑसम था कि भाई, मतलब मज़ा ही आ गया। तो इसके कुछ देर बाद ही हम वृंदावन पहुँच गए थे, और पहुँचते के साथ हमने बिहारी जी के दर्शन किए थे। तो ये देखिए, बिहारी जी के मंदिर में तो एज ऑलवेज भीड़ रहती है वहाँ का नजना। जस्ट आफ्टर बिहारी जी का दर्शन करने के बाद हम लोगों ने, ज़्यादा कहीं हम नहीं गए थे, हम सीधा गोकुल के लिए निकल गए थे, क्योंकि हमें गोकुल में एक 84 खंभा मंदिर है, वहाँ जाने का बहुत मन था। हमने नहीं देखा है और बहुत मान्यता है उस मंदिर की। कहते हैं उस मंदिर में 84 खंभे हैं, एंड वेन एवर यू काउंट, आपको 84 कभी भी नहीं आएंगे, या तो ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे। तो बहुत मान्यता है उस मंदिर की, तो हमें उस मंदिर में जाना था, तो इसलिए सीधा हम गोकुल के लिए निकल गए थे बिहारी जी के दर्शन करके, थोड़ा फ्रेशन अप होके। ये देखिए कितना सुंदर रास्ता है। हम लोग स्कूटी से गए थे, सॉरी स्कूटी से नहीं, बाइक से गए थे एक्चुअली। हम स्कूटी से भी जाते रहते हैं, तो इसलिए कभी बाइक कभी स्कूटी से, तो इस बार हम बाइक से गए थे, तो इसलिए हमें बहुत ईजी रहता है, क्योंकि वृंदावन में कुंज गलियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, तो बाइक से या स्कूटी से बहुत कन्वीनियंट रहता है आपको। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि अगर वृंदावन जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं पड़ता, 2-2.5 घंटे का रास्ता होता है एक तरफ से दिल्ली से जाओ तो इसलिए। अब ये देखिए, ऑलमोस्ट हम मंदिर में, 84 खंभा मंदिर में पहुँच चुके हैं, और ये पूरा उसका रास्ता है। देखिए कितना सुंदर, मतलब एक अलग ही जो फील आता है जब आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते हो, किसी धार्मिक स्थान पे जाते हो, तो वो जो एक फील होता है ना, दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन अ वीडियो। तो मतलब बहुत ही अलग होता है। तो ये देखिए कितनी सुंदर गली है, मतलब एक बहुत ही अलग अच्छा फील आता है। हम जस्ट मंदिर में पहुंचने ही वाले हैं, आपको मंदिर के अंदर का जहां तक भी अलाउड होगा मैं आपको दिखाऊंगी जरूर। ये देखिए, ये एंट्री है। एंट्री करते के साथ ही ये सामने जो है आपको शू रखने के लिए प्लेस मिल जाता है। हम लोग काफ़ी सारे लोगों ने बाहर कर लिया, बट ये मेन एंट्री गेट है। ये हम मंदिर के अंदर एंट्री कर चुके हैं, बेसिकली सामने एक जो ट्री है इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता है, कृष्ण भगवान जी खेला करते थे। 84 खंभा मंदिर में ही भोलेनाथ जी का भी एक प्यारा सा मंदिर है, कि जहाँ श्री कृष्ण भगवान है भोलेनाथ जी तो वहीं होते हैं। तो मंदिर तो हर जगह, जहाँ भी आप देखेंगे ना, भोलेनाथ जी का मंदिर जरूर होता है, यहाँ भी कृष्ण जी का होता है। तो यहाँ भी हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए, बिल्कुल ज्यादा क्राउड नहीं था। ये है मंदिर के अंदर का एरिया, ठीक है। ये जहाँ 84 खंभा लिखा है वहाँ से मेन मंदिर की एंट्री होती है, जहाँ अंदर जाके आपको 84 खंभा मिलेंगे, जो जिसके नाम पर ये मंदिर है, और वहीं पे गर्भगृह है।
ये छत पर क्या है, ये क्या है ऊपर, छत है ऊपर, पुरुष छत पे चलेंगे जब आज। इसको बोलते हैं वृंदावन भगवान ने महाराज किया, 6 महीने का दिन बनाया, 6 महीने की रात बनाया, 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। ये समुद्र मंथन में मध्यांचल पर्वत का रही बनाया, शेष नाग का नीति बनाया, ब्रह्मा जी इसके ऊपर ब्रह्मा जी का है, हम लोग इसमें से निकलाते हैं प्रज्ञा काल से, इसको ऐसे बैठते हैं, उसको बोलते हैं त्रेता में, ये रामचंद्र जी का सूर्य वंश अवतार हुआ, ब्रह्मा जी का मुख है अमृत का कलश है और रामचंद्र जी का तिलक है, इसको ऐसे भेटते तो बोलते सीता है, ये वाला खम्मा है त्रेता का, त्रेता पर भगवान कृष्ण का अवतार हुआ चंद्रवंश में, चंद्रवंश का चिन्ह है, ब्रह्मा जी का मुख है, अमृत का कलश है और ये भगवान का सुदर्शन चक्र है, इसको बोलते हैं राधेश्वर। तो ये 84 खंभा मंदिर के जस्ट बाद हम आ गए थे रमन रेती, जो कि है यहाँ से एंट्री, ये देखिए।
ये है वो रोटी जिसके नाम से इस जगह का नाम है रोटी। यहाँ पर मान्यता है कि भगवान कृष्ण बचपन में खाना करते थे रेती में, घर बनाते हैं। दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं मंदिर से बाहर, और मंदिर के जस्ट सामने है ये डियर पार्क, जहाँ पे आपको बहुत सारे डियर देखने के मिलेंगे, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बहुत छोटे छोटे से डियर्स हैं। और इसी के साथ हमारी वृंदावन की जर्नी ख़त्म होती है। इसके बाद हम नाइट में हमने स्टे किया और अपना घर, अगले दिन हम अपना घर आ गए। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट बिलो।